तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या टेक्निकल सपोर्ट या डेस्कटॉप सपोर्ट या सर्वर सपोर्ट वाला बंदा डे ऑप्स इंजीनियर बन सकता है, क्या वो डे ऑप्स की प्रोफाइल पे जा सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल जी हाँ, जा सकता है। अगर आपके अंदर नॉलेज है, टैलेंट है, तो आप किसी भी प्रोफाइल में जा सकते हो। अगर आप सपोर्ट में हो, अगर आप जावा डेवलपर में जाना चाहते हो तो उसमें भी जा सकते हो। बट आपको वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको वो लर्निंग पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे। और आप ये सोच रहे हो उसकी फीस बहुत ज़्यादा होगी, 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, तो यार YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें फ्री में सीख सकते हो। बाकी अपना Udemy है, मैं यहाँ पे Udemy को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना कोई प्रमोशन बेस ये वीडियो है। बट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको कम कॉस्ट में अच्छे कोर्सेस मिल जाते हैं। तो आप, और मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो IT सपोर्ट में ही जॉब कर रहा था, यानी कि डेस्कटॉप सपोर्ट में ही वो जॉब कर रहा था। उसका कुछ पैकेज 3.5 लाख के आसपास था। और इसके बाद में उसने DevOps पढ़ा, DevOps अच्छे से पढ़ा और उसका DevOps इंजीनियर में प्लेसमेंट हुआ और उसको पैकेज वहाँ पे मिला 4.6 लाख का एज अ फ्रेशर जब DevOps के लिए वो गया। और ठीक एक साल बाद वो 4.6 से 13 लाख पर इनाम आ गया, मतलब कि 4.6 लाख के पैकेज से डायरेक्ट वो 13 लाख के पैकेज से पहुँच गया जस्ट एक साल बाद। क्या उसने अपने अंदर वो चीज़ें सीखी जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए था? मैंने आप प्रीवियस वीडियो में कुछ बताया था कि DevOps इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो नहीं ऊपर हाँ DevOps इंजीनियर बनेंगे, तो मैं आपको पहले से एक चीज़ क्लियर करके रख दूँ कि यहाँ DevOps इंजीनियर बनना भी इतना आसान नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट उसकी रियलिटी बता रहा हूँ कि आपको ना सारी चीज़ें, अगर आप IT सपोर्ट में जाते हो ना, सिर्फ आपको सपोर्ट का सीखना पड़ता है। नेटवर्किंग में जाते हो आपको सिर्फ नेटवर्किंग का सीखना पड़ता है। अगर सिक्योरिटी में जाते हो तो आपको सिर्फ सिक्योरिटी का सीखना पड़ता है। लेकिन DevOps एक ऐसी फील्ड है आपकी जहाँ पे आपको हर किसी फील्ड में कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। क्लाउड भी सीखना पड़ेगा, लिनक्स, नेटवर्किंग, सर्वर, कोडिंग, टेस्टिंग, एवरीथिंग। उसमें 2 फील्ड होती हैं कैटेगरीज वाइज में, तो वो चीज़ें सारी आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी उसके बाद आप जा सकते हो। लेकिन सैलरी की बात करो, उसमें अच्छी खासी सैलरी है DevOps इंजीनियर के लिए। तो नो डाउट आप किसी भी फील्ड से हो और किसी भी ब्रांच से हो, आप चाहे मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस से हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, आपने चाहे IT सपोर्ट किया हो, सर्विस डेस्क पे हो, टेक्निकल सपोर्ट पे हो, या नेटवर्किंग पे हो, बेसिक प्रोफाइल नेटवर्किंग पे, अगर वहाँ पे आप किसी भी प्रोफाइल पे हो, आप DevOps के लिए मूव कर सकते हो। बस सीखो, इंटरव्यूज दो, बट आप किसी भी फील्ड से हो, अगर आपके पास लर्निंग कैपेसिटी है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।